नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन आई न्यूज। स्पेन आई न्यूज में आज बात करेंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बारे में, जो आज से ठीक 6 महीने पहले या यूं कहें कि 8 महीने पहले जिस शख्स को लेकर कांग्रेस पार्टी में बवाल मचा हुआ था, तहलका मचा हुआ था, उसको लेकर फिर से शुरुआत हो गई है। इन तमाम चीजों की मुलाकात शुरुआत जो हुई है, आखिर क्यों हुई है, इसके वजह को तहकीकात करने की जरूरत है और उसी चीज को हम लोग तलाशने की कोशिश करेंगे। आई सबसे पहले आपको बता दें कि 5 राज्यों में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि असली लड़ाई तो 2024 में होने वाली है। कांग्रेस में घमासान मचा, एक नेता दूसरे नेता पर इल्जाम करने लगे, आरोप लगाने शुरू कर दिए, सोनिया गांधी का इस्तीफा मांगना शुरू हो गया और यहां तक कि सोनिया गांधी 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांगना शुरू कर दे। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष ने तो इस्तीफा दे भी दिया। लेकिन इस बीच को देखने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठने लगा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा सोनिया गांधी के अलावा। CWC की मीटिंग हुई, G23 नेता के वागप्ति अपनाने शुरू कर दिए और इस सब के बीच अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों से ये पता चल रहा है कि ये मुलाकात सिर्फ और सिर्फ गुजरात चुनाव को लेकर है। पता ये भी चल रहा है कि प्रशांत किशोर अध्यक्ष भी बन सकते हैं। पता ये भी चल रहा है कि सूत्रों से कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये जो आशंकाएं वाली सवाल है, अगर ऐसा हो जाता है तो कांग्रेस के लिए आने वाला भविष्य बढ़िया हो जाएगा। और जो खास करके राहुल और प्रियंका पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो दाग लग रहे हैं एक गांधी परिवार का, वो टैग भी हट जाएगा और सोनिया गांधी की मुसीबतें शायद दूर हो जाएंगी। क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस का बद से बदतर हाल होता जा रहा है, इससे साफ जाहिर है कि अगर कांग्रेस में मंथन नहीं हुई उन लाजमी सवालों पर जिसकी जरूरत है, तो कांग्रेस का आने वाला हाल और भी बुरा हो जाएगा। बहरहाल देखते हैं कि प्रशांत किशोर क्या कुछ करते हैं, इन मुलाकात के बाद क्या निकल कर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।